हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास इलेवेंथ का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, ये लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो हम एक क्लास इलेवेंथ का एक प्लांट किंगडम शुरू किया है, और यहाँ पर और एक चैप्टर शुरू किया है आज करने वाले हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है बहुत ठीक समय पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हमारे जो नीट के अंदर टोटल 97 चैप्टर्स है, 97, और 97 चैप्टर्स को अगर हम धीरे 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 ख़त्म करते गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शुरू कर देते हैं हम ये चैप्टर को। ओके, सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर। ओके, देखते हैं। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वन मिनट, ह्यूमन ह्यूमन फिजियो ह्यूमन फिजियो में हर साल 8 से 9 क्वेश्चन पक्का आता है। ओके, 8 से 9 क्वेश्चन पक्का आता है, इसका मतलब अगर हम इससे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 32 से 36 मार्क्स हमारे झोली में आकर गिरेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है ये जो नंबर है 8 से 9 क्वेश्चन आने का नंबर डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है। ओके, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चले, लगभग 24 मार्क्स हमारे इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएंगे, अगर हम अच्छे से पढ़ पाए तो। समझ में आया, ये हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो लास्ट चैप्टर है, जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो चैप्टर का नाम है उसमें ही बता दे रहा है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर जो है केमिकल को लेकर मतलब बात की जाएगी। केमिकल को मतलब कि HCl को लेकर डिस्कस करेंगे, H2SO4 को लेकर डिस्कस करेंगे, नहीं वो नहीं, कि हमारे शरीर में जो जो केमिकल प्रेजेंट है, उस केमिकल में जो मेन केमिकल है वो कौन सा है, जो हमारा हॉर्मोन्स है, उसे हम डिस्कस करना है। समझ में आया, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है देखते हैं, जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ओके, जो हमारा ग्लैंड्स जो होता है ना, जो हमारा ग्लैंड्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। ओके, एंडोक्राइन जो होता है वो डक्ट लेस होता है, उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, वो होता है डक्ट लेस, बट एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर, हमें एक्सोक्राइन को लेकर डिस्कस यहाँ पर करना ही नहीं है, हमें हमारा जो मेन डिस्कशन है वो होगा एंडोक्राइन के ऊपर। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसका डिस्कस होगा, हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने बता दिया, एक एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, डक्ट इनमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। समझ में आया, तो शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन करते हैं उसे हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ओके, अब
द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंसली लोकेटेड टारगेट ऑर्गेन हैज करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। मतलब जो हार्मोन होता है, हार्मोन एक तरीके का केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद वो ब्लड में घुल मिल जाएंगे। अब ब्लड में घुल मिलने के बाद वो उस जो केमिकल है, उस केमिकल को एक मतलब एक काम है, कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसके फंक्शन के लिए उसे पहुंचना होगा ठीक जगह पर, इसलिए वो ब्लड में घुस जाते हैं और ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक एक मतलब एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस एक पर्टिकुलर एक लोकेशन पर, जिसे हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। उस टारगेट ऑर्गन पर उसका वो फंक्शन को कंप्लीट करेगा और फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यही हमारा है हॉर्मोन्स। ओके, देखते हैं। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ओके, इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है, मतलब न्यूट्रिशन हमें नहीं दे सकता, वो एक केमिकल्स है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करेंगे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं ये हॉर्मोन्स। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, जो बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया हॉर्मोन्स क्या है? ओके, ये हमारा हो गया बेसिक डेफिनेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है, व्हाट इज द मतलब क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। जानते हो ना इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब नोटोकॉर्ड क्या है वो हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ओके, इनवर्टिब्रेट्स पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम्स विथ फ्यू हॉर्मोन्स। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत ही सिंपल है, जिनमें बहुत ज़्यादा हॉर्मोन प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही थोड़ा सा हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हॉर्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट। लेकिन वर्टिब्रेट में बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होता है, किसके रूप में, हॉर्मोन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक सेल जो है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ये हॉर्मोन्स। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एंडोक्राइन ये हो गया, वो हो गया। अब मतलब मनुष्य के शरीर में मतलब हमारे शरीर में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, देखते हैं। ओके, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज सेल लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन में प्रेजेंट रहते हैं, उन सबको सब ग्लैंड को मिलाकर हम एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कि पिट्यूटरी हो गया, पिनियल हो गया, थायराइड हो गया, एड्रेनल हो गया, पैनक्रियास हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, गोनाड्स हो गया। ओके, ये सब होता है हमारा एंडोक्राइन बॉडीज। ओके, अब यहाँ पर लिखा है गोनाड में क्या है, गोनाड दो तरह के होता है, एक मेल में एक फीमेल में। जो मेल में होता है वो है टेस्टिस एंड फीमेल में होता है ओवरी। हाँ, टेस्टिस दो होता है एंड ओवरी भी दो ही होते हैं। समझ में आया? ये हमारा है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो कौन सा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपको पता चल गया। ओके, अब सबके प्रेजेंस अलग अलग जगह पर होगा, जैसे कि पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, एड्रेनल किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते रहते हैं, जो थायराइड होता है, थायराइड मतलब हमारे जो गले हैं ट्रैकिया के पास प्रेजेंट रहते हैं। ओके, पिट्यूटरी हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, पिनियल भी सर में होते हैं। समझ में आया? इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गेन्स एज एग्जांपल
गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट लीवर किडनी हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ये सब भी हॉर्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट ये हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं क्या क्या है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, मैंने जहाँ जहाँ बताया, टेस्टिस जो मेल में एंड ओवरी फीमेल में होगा, हाँ पीनियल ग्लैंड भी है, ये टोटल ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, सिर्फ एंडो लिखते हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, समझ में आया। नेक्स्ट द हाइपोथैलेमस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन, हाइपोथैलेमस, समझ में आया। नेक्स्ट एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायन्सेफलन द स्टोरवेन एंड इट्स रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब हमारे जो बॉडी फंक्शन है, बॉडी फंक्शन सबसे ज़्यादा, मतलब बॉडी फंक्शन के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन ये प्ले करता है जो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ओके ये कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, हैं जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, वही हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ओके। दिस हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन, जो पिट्यूटरी हॉर्मोन का जो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, करते हैं, ओके। However, the hormones produced by the hypothalamus are of two types. जो hypothalamus में जो जो hormone produce होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक होता है releasing hormone, जो क्या करता है, जो secretion है pituitary जो hormone है, hormone का secretion stimulate करते हैं, और एक है inhibiting hormone जो क्या करते हैं, उसका secretion को inhibit करते हैं, मतलब एक secretion करने में मदद करेगा है? और एक तरीके का हार्मोन क्या करेगा, उस सिक्रेशन को रोकने का काम करेगा, यही है दो हार्मोन, दो तरीके का हार्मोन जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट ओके फॉर एग्जांपल ए हाइपोथैलेमिक थैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें भी पढ़ेंगे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ओके फॉरगेट एनीवे स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करने के लिए मदद करता है, ओके ये हो गया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन। समझ में आया सॉरी। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, हाँ सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन करता है कि पिट्यूटरी से जो मतलब ग्रोथ हार्मोन निकलता है उसको मतलब रोकता है, इनहिबिट करता है, समझ में आया, ओके। These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axon and are released from their nerve ending. Okay? हम जब मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे मतलब कैसे न्यूरोन को देखे, मतलब न्यूरोन का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके जो न्यूरोन होता है, न्यूरोन के नीचे एक्शन होता है, एक्शन के जरिए जो ये जो हॉर्मोन्स निकलता है और उसका जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से निकल कर आता है, ओके। दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के पोर्टल से, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, जो एंटेरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट कर सकता है, समझ में आया। ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ओके। नेक्स्ट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, है पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस का जो
डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंडर होता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है एक न्यूरल, मतलब न्यूरॉन, समझ में आया। नेक्स्ट ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। ओके, कुछ कुछ जगह पर रिलीजिंग हार्मोन रहेगा, हाँ, जैसे रिलीजिंग फैक्टर्स जो सोमाटोस्टैटिन, ये रिलीज तो नहीं करेगा, हाँ, ये है इनहिबिटिंग, रिलीजिंग हार्मोन के नीचे लिखा है रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिन जैसे वैसोप्रेसिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्यों होते थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, सॉरी हमारा हाइपोथैलेमस से निकलने वाला सारे हार्मोन्स। ओके नेक्स्ट, ओके द पिट्यूटरी ग्लैंड, है पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें अच्छे से पढ़ना है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बॉडी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, नाम अच्छे से याद रखना है, सेला टर्सिका, एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर, एक बोनी कैविटी है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, हाँ, वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है एक स्टॉक के जरिए। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडेनो हाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, एनाटॉमिकली दोनों पार्ट में डिवाइड रहते हैं, एक को कहते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, एक को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, समझ में आया। नेक्स्ट, ये हमारा है हो गया कि पिट्यूटरी, सॉरी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ओके, ये हमारा ब्रेन स्टेम, ये हमारा सेरिबेलम, हाँ, इसे हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ये हमारा नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे हम, सॉरी एडेनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। ओके, एडेनो हाइपोफाइसिस भी दोनों भाग में डिवाइड हुआ है, एक है पार्स डिस्टालिस और एक है पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड है एडेनो हाइपोफाइसिस। ओके सॉरी, जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द पार्स डिस्टालिस। द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी, इसको हम कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं, किसको, इसको, इसको, इसको हम एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ओके, द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मस्ट विथ पार्स डिस्टालिस। ओके, पार्स इंटरमीडिया मतलब लगभग पार्स डिस्टालिस में मर्ज्ड ही होता है। ओके, अब न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, समझ में आया। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जिसे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ओके, इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। दो तरीके का हार्मोन वो रिलीज कर सकता है, एक का नाम ऑक्सीटोसिन है, दूसरे का नाम वैसोप्रेसिन, व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो मेनली मतलब प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, मैंने अभी बताया, जो न्यूरोन है न्यूरोन के जरिए, एक्सोन के जरिए वो न्यूरो हाइपोफाइसिस में जाते हैं।
ओके। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द जाइगेंटिज्म। ओके, अगर ग्रोथ हार्मोन, अब अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो क्या होता है, वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। ओके, इसका मतलब जाइगेंटिज्म जो होता है ओवर सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से होता है। एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब उसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं होता, हाँ उसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। जाइगेंटिज्म मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होगा, जाइगेंटिज्म ओवर सिक्रेशन हो चुका है, अब जो नॉर्मल से अगर छोटा हो गया तो हम उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म कहते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। ओके, स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सेवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑन फेस। ओके, अगर एक्सेस सिक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन के, ये बच्चों में हो गया, ये बच्चों की बात हो गया है, ये हो गया बच्चों के बात है, अब यहाँ पर एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट ये हो गया बेबीज है, जो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन होता है एडल्ट्स में क्या होता है, वो उसका जो फिगर है उस फिगर का मतलब बिगड़ जाता है, फिगर बिगड़ जाता है, उसे हम कहते हैं एक्रोमेगली, जो कि विच मे लीड टू ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर ठीक तरह से चेकअप नहीं किया गया तो काफ़ी हद तक इंसान की मृत्यु भी हो सकता है। ओके, द डिजीज इज हार्ड टू डिक डायगोनोस इन अर्ली स्टेजेस एंड ऑफ्टन गोस अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, मतलब पहले पहले स्टेज में ये मतलब इतना मुश्किल आसान नहीं होता ठीक तरह से इसे डायग्नोस करना, एंड कभी कभी क्या होता है अनडिटेक्टेड भी रह सकता है सेवरल ईयर्स के लिए। ओके, बट अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, उसका जो एक्सटर्नल फीचर है वो दिखाई देता है। ओके, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड है उसका ग्रोथ ठीक ठाक रखता है एंड मिल्क का प्रोडक्शन ठीक ठाक रखता है। TSH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायराइड जो हार्मोन को जो रिलीज होता है उसे ठीक ठाक रखता है, मतलब उसे स्टिमुलेट करता है। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। हाँ, ACTH की क्या करता है, एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को सिक्रेट करता है। हाँ, LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन। इन दोनों को गोनाडोट्रोफिन कहते हैं क्योंकि वो गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। मेल में क्या होता है, LH स्टिमुलेट करता है जिससे क्या टेस्टिस से एंड्रोजन निकले। कौन सा एंड्रोजन, कौन सा है मेल में, कौन सा एंड्रोजन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरॉन है जो एंड्रोजन है, उस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। समझ में आया। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्माटोजेनेसिस। ओके, मेल में क्या होता है, FSH जो और एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्माटोजेनेसिस को रेगुलेट कर सकता है। सॉरी, ओके, इन फीमेल्स LH induces ovulation of fully mature follicles। ओके, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसका डिस्कस करेंगे। ओके, ovulation and maintains the corpus luteum formed from the remnant of ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ovulation। ovulation के बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से जो एग निकल आता है, अब उसका जो मतलब अवशिष्ट जो भाग हो गया, जो रेमनेंट हो गया, उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे मेंटेन रखता है LH। समझ में आया।
FSH stimulates growth and development of the ovarian follicles in females. Female में ovarian जो follicle होता है उसको development ठीक ठाक रखता है ये FSH. MSH acts on the melanocyte. Melanocyte पर वो क्रिया करता है जिससे ये melanocyte क्यों कौन सा होता है melanin consisting cells and regulates pigmentation of skin. Skin का जो color है उसको regulate कर सकता है MSH. Oxytocin acts on smooth muscles of our body and stimulates their contraction. Okay, oxytocin क्या करता है? हमारा जो body का जो smooth muscle है, उस smooth muscle में अपना काम करेगा और उसका contraction करेगा. Okay, in females it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. Okay. जब बच्चे का जन्म होता है किसी भी माँ से माँ के पेट से तब क्या होता है उस बच्चे के वो जो मतलब जो ऑक्सीटोसिन होता है ऑक्सीटोसिन क्या करता है उसके जो यूटेरस है यूटेरस में एक तरह के मतलब जरायु हाँ ओम उसमें एक ऐसी कंट्रैक्शन पैदा करता है जिससे क्या होता है चाइल्ड का बर्थ मतलब चाइल्ड को निकालने में मदद होता है और जो मेमोरी ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को भी इंजेक्शन कर सकता है समझ में. Next, vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates the resorption of water. Water का resorption कर सकता है मतलब शोषण कर सकता है वापस शोषण कर सकता है हैं and electrolytes by the distal tubules. Sorry. And thereby reduces loss of water through urine. हैं जिसको क्या करता है जो यूराइन में मतलब हम जितने पानी पीते हैं अगर वो उतनी यूराइन अगर हम रिलीज करने लगे तो हालत ख़राब हो सकता है इसलिए क्या करता है इसलिए वो क्या करता है जो वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर सकता है जिसे हम कहते हैं डाई यूरेसिस. हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन इसलिए इसे कहते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन मतलब ADH. An impairment effect in synthesis or release of ADH result in a diminished ability to kidney conserve water leading to the water loss and dehydration. हाँ इसका मतलब समझ ही गए होंगे हाँ कंजर्व जो वाटर मतलब वाटर का जो कंजर्व होता है उसमें उससे एक एबिलिटी है किडनी को एबिलिटी प्रदान करता है समझ में. इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. हाँ डायबिटीज आपको पता ही है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है अगर ADH मतलब कुछ ADH का रिलीज और मतलब सिंथेसिस अगर किसी भी हालत में अगर बिगड़ा तो क्या हो सकता है तो किडनी की जो वाटर कंजर्व मतलब अपने अंदर जो वाटर पकड़ रखने की होल्ड करने की जो क्षमता होता है वो नष्ट हो जाता है जिससे क्या होता है वाटर लॉस ज़्यादा होता है शरीर में वाटर की कमी ज़्यादा होता है इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा इसको ही हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. आया समझ में. तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है जो फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 था वो यहाँ पर ख़त्म होता है. ओके तो हम यहाँ पर डिस्कस के कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाने हाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इन इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल्स डिस्कस किया है. ओके समझ में आया. आया समझ में. तो अगले जो लेसन होगा वहाँ पर हम थायराइड ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके अब क्या है अब अगर आपको आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर. इसको क्या करेंगे इसको आपका जो क्रोम है क्रोम और ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में इसको सर्च बार में इसको डालेंगे हाथ से लिखकर भी डाल सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. ओके इसको मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा हाँ. और इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है. अब टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो अगर आप ये ब्राउज़र पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे उसका जो सर्च बार होगा उसके सर्च बार में NCERT क्लासेस को NCERT
एनसीईआरटी क्लासेस उसके सर्च बार में डालेंगे। तो वापस बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाएंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके लिए उसके बाद उसे खोलने के बाद साइन अप कर लेंगे, उसके बाद साइन इन करके टेलीग्राम पर घुसेगा। घुसने के बाद उसके ऊपर राइट हैंड साइड में एक सर्च ऑप्शन होगा, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बना होगा, वहाँ पर डालेंगे एनसीईआरटी क्लासेस। एनसीईआरटी क्लासेस को डालने के बाद वहाँ पर घुस जाइए, वहाँ पर मिलेगा ये मेरा चैनल। ओके, वहाँ पर हम डिटेल आपका डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर करूँगा। समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, हाँ, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए इस लॉकडाउन में। कोचिंग सेंटर और प्राइवेट ट्यूशन भी खुलने ही वाला है, लेकिन आशा करता हूँ बंद हो जाएगा, इसलिए आपके घर बैठे बैठे आपको टीचर मिल गया। हाँ, पहले क्या होता था, अगर किसी टीचर के पास हम भर्ती हो जाते हैं, हमें उस टीचर से ही पढ़ना होता था, हाँ, यही था पहले। लेकिन अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची किसी भी टीचर से पढ़ सकता है थ्रू यूट्यूब के ज़रिए, हाँ, इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसे टाइम पास करने के लिए इस चैनल पर मत आइएगा, हाँ, इससे अच्छा क्या है, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, अनलाइक कीजिए और निकल जाइए इस चैनल से। पढ़ाई करने के लिए आइएगा बच्चों, हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई करवाने के लिए मैं इतने मतलब हमारे हार्डवर्क है, ये सब बनाने में हार्डवर्क तो जाता ही है, टाइम जाता है, हार्डवर्क जाता है, तो इसके लिए क्या फ़ायदा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा किसी भी और चैनल में चले जाइएगा। हाँ, पढ़ाई करने के, जो बच्चा सच में पढ़ाई करना चाहता है वही बस आए, जिसको पढ़ाई करने का कोई मूड ही नहीं है वो बेहतर है, वो ना आए वही बेहतर है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हाँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन पर, हाँ, लेक्चर नंबर 2। और प्लांट किंगडम तो चल ही रहा है, प्लांट किंगडम चलेगा, प्लांट किंगडम में और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और टेरिडोफाइट्स बाकी है और जिम्नोस्पर्म बाकी है, उसके बाद एंजियोस्पर्म थोड़ा सा है, कुछ लाइफ साइकिल्स है, बस प्लांट किंगडम ख़त्म हो जाएगा और हमारा तो ये हार्मोन वाला चैप्टर जस्ट शुरू ही हुआ है। ओके, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।